हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्ची, ये जो चैप्टर हम लोग फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं सारे बच्चों को ये इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि भैया इससे पहले हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर जो 14 था बच्चा, जिसे जैव अणु बोल रहे होते हैं, वो जैव अणु हम लोग बहुत ही गजब तरीके से पढ़े हुए हैं। उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 16 कराया था, चैप्टर नंबर 15 में कुछ समय के लिए होल्ड में रखा था, कुछ समय के लिए स्किप कर दिया था, तो वही हम चैप्टर नंबर 15 की बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर के अंदर। प्यारे बच्चे, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्यारे बच्चे बहुलक के बारे में यहां पे पढ़ने वाला है। तो बेटा सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है बच्चे, ये जो वीडियो लेक्चर, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब सीजी बोर्ड के रिलेवेंट ही वीडियो होने वाला है। क्यों रिलेवेंट है मैं ये बातें जो बेटा पहले इसलिए बोल दे रहा हूं, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम लोग ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो एग्जाम के रिलेवेंट होते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके ये पता कर पाए हैं कि इस चैप्टर से ऐसे सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने ही टॉपिक है बेटा, जिसको जो है रिपीटेडली पूछा जा रहा है, तो हम सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल बेटा पूरा चैप्टर के ऊपर हम यहां पे डिस्कशन नहीं करने वाले। अगर मैं इसके जो बेटा एकदम जो डीप में जाना चाहो, ठीक है, इस चैप्टर को एकदम डीप में पढ़ना चाहो, तो आप बेटा अभिप्सा का बेटे ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, वहां पे बेटा अभिप्सा का जो है ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और यहां से जो है हमारे जो है कोर्स परचेस करके सारे जो है केमिस्ट्री आप लोग बहुत ही गजब तरीके से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से केमिस्ट्री के अंदर बच्चे अपने कमांड रख सकते हो। क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए बच्चा फटाफट आगे बढ़ते हैं, नए जोश और नए उमंग के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो है बहुलक के बारे में पढ़ने, जो कि हमारा चैप्टर नंबर बेटा 15 होने वाला है, 15वां चैप्टर होने वाला है। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो आखिर इस चैप्टर के अंदर मैं आपको जो है एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि इस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भैया इससे हम जब मैदान में जाते हैं, हम जो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं भैया, ठीक है, यहां पर रिलेट करते जाना। जैसे हम क्या करते हैं बच्चे, जब भी कोई मैच खेलने जाते हैं तो वहां पर उसके पहले पिच की जानकारी लेते हैं, मतलब वहां पर कैसा वेदर रहता है, कैसी चीजें रहती है, उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चे यहां पर भैया हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करें तो यहां पर यह पता करेंगे कि आखिर भाई इस चैप्टर से पूछा कितने क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, पूछे कितने क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैं आपको सारी चीजें यहां पे क्लियर कर देता हूं प्यारे बच्चे कि यहां पे जो क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, मतलब भैया यहां से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो मैं यहां पे जो है मिनिमम क्वेश्चन यहां पे डील करने वाला हूं, मिनिमम क्वेश्चन डील करने वाला हूं बेटा, और ये जो है वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम रिलेटेड होने वाला है। ठीक है बच्चा, ठीक है, क्लियर है इतनी सारी बातें सारे बच्चों को? ठीक है, अब देखो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हमको जो है इस चैप्टर का नाम ही बहुलक है, तो इस बहुलक आखिर क्या होता है, पॉलीमर आखिर क्या होता है बेटा, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि पॉलीमर बच्चे आपने जो है क्या होता है, जब भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की होगी तो वहां पर बच्चे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप लोगों ने बच्चा कक्षा 10वीं में जो है कार्बन इट्स कंपाउंड नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, मतलब कार्बन के जो है कार्बन जो यौगिक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस कार्बन यौगिक में जो एक प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चे, क्या होता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्या बच्चा? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसमें श्रृंखलन बनते जाता है। ठीक है, श्रृंखलन बनते जाता है, तो उसी श्रृंखलन को गुण को ही रखेंगे बेटा। यहां पे आप लोग रिलेट करते जाना, मैं उसी को जो है वापस थोड़ी देर के लिए क्या करूंगा, रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। देखो बच्चे, आपको बहुलक समझना हो तो बहुलक वो प्रॉपर्टी आप लोग याद रख सकते हो। अगर बहुलक को और ज्यादा एकदम क्लियर तरीके से समझना बच्चे, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि हमारे पास एक इथीन होने वाला है। क्या बच्चा? एक इथीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, CH2। ठीक है, एक इथीन क्या करेगा, बहुत सारे एथीन से मर्ज रहेगा। हमको पता है कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी से हमको यह पता चल गया था कक्षा 10वीं में ही कि कार्बन बहुत सारे जो है कंपाउंड्स बना सकता है, बहुत बड़े बड़े यौगिक बना सकते हैं, करोड़ों लाखों जो है कंपाउंड्स एक साथ मिलकर एक जो है अणु का निर्माण कर सकते हैं। यह हमको पता चल चुका था भैया, बहुलक जो है वही सेम फंडा काम करेगा। बहुलक क्या बोलेगा देखो फटाफट, ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक सरल अणु आपस में क्रिया करके बेटा क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, वो भी किसमें, उच्च द्रव्यमान वाले। क्या बच्चे? उच्च द्रव्यमान वाले, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले क्या करेंगे, अणु का निर्माण करेंगे, बहुलक बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे बेटा बहुलीकरण बोलेंगे। क्या बच्चा? बहुलीकरण बोल देंगे। ठीक है, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्या बच्चा? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो बहुलक क्या होता है, बहुलीकरण क्या होता है, आपको इससे जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल दूंगा प्यारे बच्चे, वो एग्जाम्पल जब आप देखोगे ना, ठीक है, तो आपको एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा कि आखिर पॉलीमर क्या होता है, आखिर जो है मोनोमर क्या होता है, मोनोमर कहने का मतलब एकलक क्या होता है, इसके बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट। अब देखो मैं एकलक की बात करूं बेटा, तो एकलक क्या होता है, वे सरल अणु, ठीक है, वे सरल अणु जिनसे बहुलक, ठीक है, बहुलक, ठीक है, बहुलकन की क्रिया द्वारा बहुलक
बनाने की क्षमता होती है। मतलब इतना सिंपल सी बात नहीं भैया, हम को एक लग की बात की, मतलब एक अकेला होगा, एक अकेला होगा, एक अकेला जो है एलिमेंट होगा, वो एक अकेला एलिमेंट क्या करेगा, एक दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के, तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के, चौथे एलिमेंट के साथ जुड़ के बेटा वो क्या करेगा, एक जो है बड़ा कंपाउंड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, जिसका जो है निर्माण करेगा। ठीक है, जब निर्माण करेगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बेटा पॉलीमराइजेशन, और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे बहुलक। ठीक है, पॉलीमर बोलेंगे। तो उसी को बच्चे बहुत गजब तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम्स के अंदर बच्चे बहुलीकरण का जो डेफिनेशन है, ठीक है, बहुलीकरण का जो डेफिनेशन है बच्चे, ये जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया बच्चे, थी आपको इसको जो है नोट करके रखना है। ये एकदम बहुत इजी, एकदम बहुत सस्ता सा एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, बहुत सस्ता सा एग्जाम्पल है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, पॉलीथिन के बारे में बात करता हूँ बच्चे। पॉलीथिन क्या होता है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल बता दूं। पॉलीथिन बेटा, पॉलीथिन क्या होता है, पॉलीथिन हमारा क्या होता है बच्चे, बहुलक होता है। अपन पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो पीवीसी पढ़े होगे बच्चा, ठीक है, बचपन में आप लोगों ने टेंथ में भैया पीवीसी के बारे में पढ़ा होगा। तो पीवीसी भी हमारा क्या होता है भैया, बहुलक के अंतर्गत ही आ रहा होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, ये सारे बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से सारे बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, अब मोनोमर की मैं बात करूं बच्चे, तो मोनोमर में क्या होता है, देखो मोनोमर क्या होता है, एथिलीन जो हमारा होता है CH2CH2, ठीक है, हमारा एथीन जो होगा, एक एथीन होगा बेटा, ये एथिलीन बन जाएगा। अब एथिलीन क्या होगा हमारा, एक एकलक होगा, क्या होगा बच्चा, एक एकलक होने वाला है। ठीक है, एथिलीन से ही बनके हमारा क्या होता है बेटा, पॉलीथिन जो है बनना स्टार्ट करता है, पॉलीथिन की जो श्रृंखलन होती है बेटा वो स्टार्ट होती है बनना। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो फटाफट, ठीक है, एक जबरदस्त एग्जांपल लेता हूं, ध्यान सुनते रहना बस। ठीक है, जब वो जो हम फॉर्मूला आखिर लिखने वाले कि जब इतने टाइम से अपन बोल रहे हैं कि पॉलीथीन होता है भाई, एथीन होता है, ठीक है, तो वो आखिर होता कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चा क्या होता है, CH2 एक बॉन्ड बनाता है, CH2 यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि CH2 जो है डबल बॉन्ड बना रहा होता है इस तरीके से। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा, क्या होगा बच्चा, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जब डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा भैया, ऐसे ऐसे थोड़ी ना ब्रेक हो जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी ना ब्रेक होगा। इसके ब्रेक होने के पीछे का रीजन है बेटा हाई प्रेशर एंड, ठीक है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में जब ये रिएक्ट करेगा, जब ये ब्रेक होगा बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, ये जो है एक सिंगल जो है बॉन्ड में बंद हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बच्चा टूट जाएगा। देखो क्यों टूटेगा, इसके पीछे का रीजन देखो बच्चे क्या होगा, जब ये भैया इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल हमको जो है बॉन्ड मिलेगा, और इस तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? इस प्रकार से क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाएगा, और हमको जो बीच से ये ब्रेक होगी, ये बीच से बेटा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और बच्चे हमको सिंगल बॉन्ड दे देगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब जब इस यही फॉर्मेशन बेटा ये क्या होगा, कंटिन्यूशन फॉर्म पे चलेगा, क्या होगा, कंटिन्यू फॉर्म पे चलेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। जब ये फॉर्मेशन जो है कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, अब देखो ये इसके हमारे पास जो है एक CH2 एथिलीन एक ही तो नहीं हो सकता, बहुत सारे रहेंगे। अब बहुत सारे रहेंगे तो मैं बोल दूं बेटा कि इसको जो है, ये जो हमारा एथिलीन है बेटा, इसके सामने बहुत सारे मैं एन नंबर ऑफ निकालूंगा, एन नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास होंगे, एन नंबर ऑफ कार्बन होंगे हमारे पास, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक सिंगल बॉन्ड बनाया, अब ये सिंगल बॉन्ड क्या करेगा बच्चा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पिछले वाले कार्बन से भी मिलेगा, ठीक है, पिछले वाले कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। अब ये क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन तो गया भाई, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि ये पिछले वाले के साथ क्या लिया, बॉन्ड बना दिया। अब यहां से जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फिर से बनाएगा, तो बेटा पिछला वाला जो अगले वाला जो था वहां से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? तो मतलब इस प्रकार से जब मैं देखूं इसको, तो क्या होगा, CH जो है मेरे को एक सिंगल बॉन्ड, फिर मेरे को जो है CH, ठीक है, CH2, फिर मेरे को सिंगल बॉन्ड, ठीक है, CH2 बेटा, ये CH2, ठीक है, CH नहीं होगा, CH2, फिर से मेरे को सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, ये प्रोसेस जो है इस तरीके से, ये पिछले वाले के साथ इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, CH2, देखो बच्चा इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन का, ये चलता रहता है। अब मैं इसे सिंगल यूनिट की बात करूं बेटा, ठीक है, इस सिंगल यूनिट को मैं बोलूंगा, तो ये मेरा क्या होने वाला है, एक मोनोमर होने वाला है बेटा। क्या होगा, ये मेरा जो एक सिंगल यूनिट है CH2 का, ये क्या होने वाला है, मोनोमर। इस मोनोमर से क्या बेटा, हमारा जो है अब बहुलक का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से पूरा का पूरा बच्चा हमारा क्या होता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। क्या बच्चा, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, बहुलीकरण, बहुलीकरण का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? पॉलीमराइजेशन का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, इतनी बातें तो अपन को क्लियर हुई। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स आते हैं प्यारे बच्चे, जो एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से आपको जो है लिखा हुआ मिलता है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है एग्जाम्स में। क्या होता है, समबहुलक सबहुलक पदों में विभेद कीजिए, मतलब अंतर बताइए मेरे को, ये बोल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, समबहुलक और ये है समबहुलक, क्या है बेटा, समबहुलक और सबहुलक की यहाँ पे बात की गई है। तो समबहुलक और सबहुलक जो है हमारे बहुलक के ही टाइप्स के अंदर आते हैं। क्या बच्चा, मैंने बोला मैं आपको बच्चे साथ ही साथ जो है कंसेप्ट के ऊपर जो है बात भी करते जा रहा हूँ, कि जिस सिक्वेंस में हमारा चैप्टर चलना चाहिए,
ठीक है, मैं कुछ भी कहीं से क्वेश्चन उठा के आपको ही एक्सप्लेनेशन दे दूं तो बेटा उससे क्लियर नहीं होती चीजें। समझ में आया बच्चा? ठीक है, उससे क्लियर नहीं होती यार चीजें। ठीक है, हमको एक फ्लो में चलना होता है, एक चैप्टर समझना होता है तो हमको एक फ्लो में चलना होता है। तो मैं जो है वही फ्लो जो है ठीक है बरकरार रखते हुए बेटा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों ने हमको ये सजेस्ट किया है कि सर आप जो है ना सिर्फ क्वेश्चन बताइए और जो है वहां से एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चे, जब आप जो उस तरीके से पढ़ाई करते हो, जिस क्वेश्चन के रिलेटेड पढ़ाई करते हो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बहुत टाइम तक नहीं रहती। ठीक है, बहुत टाइम तक नहीं रहती। जब आप कंसेप्ट को समझ लेते हो कि चीज़ें कैसे चल रही होती, ठीक है, चीज़ें कैसे चलती है, उसके अकॉर्डिंग आप समझोगे तो बेटा आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है बहुत टाइम तक रिटेन रहेगी। ठीक है, अभी कल ही एग्जाम नहीं देना भाई आपको, कल ही एग्जाम नहीं देना है, अभी भी बाकी है 20 दिन। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 20 दिन तो उसको रखना है ना, याद तो रखना ही अपन को। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे ना यार, समझ में आया सारे बच्चों को? चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखो समबहुलक और जो है सबहुलक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पे समबहुलक जो होता है वो क्या करता है, एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बना होता है। इसको मैं बेटा क्या बोलता है, होमोपॉलीमर भी बोलता हूं। सारे बच्चों को क्लियर होगा होमो बोलने से समझ आए, होमो का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो यहां पे होमोपॉलीमर बोलते हैं समबहुलक को, मतलब भैया एक प्रकार से एकलकों से मिलकर बनता है, एकलकों से ही मिलकर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, समबहुलक बोलते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिख देंगे, एक ही प्रकार के बहुलकों के बहुलीकरण से, एकलकों के बहुलीकरण से प्राप्त बहुलक को क्या बोलेंगे बेटा, समबहुलक बोल रहे होते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? इसका बेहतरीन एग्जाम्पल बेटा, बहुत ज्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल देखो पीवीसी। ठीक है, पीवीसी ये बहुत जो है आप लोग एग्जाम्स के अंदर पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बचपन में भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये पीवीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पीवीसी का जो है आखिर फॉर्मेशन कैसे होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल नंबर बच्चा या आप लोग उसका नाम याद रख लो। ठीक है, अब देखो इस दूसरा जो तरीका होता है बेटा, मैं तो क्या बात किया, समबहुलक के बारे में यहाँ पे बात किया, अब जो दूसरा तरीका है सबहुलक, इसके ऊपर बात करते हैं कि भैया सहबहुलक जो होगा, इसमें पहले समबहुलक में क्या हो रहा था, समबहुलक में जो है एक ही प्रकार के अणु से जो है फॉर्मेशन हो रहा था, एक जो है कंपाउंड का, ठीक है, एक अणु का हम एक जो बहुलक का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहां पे ठीक है सहबहुलक के केस में क्या होगा, ये जो है अलग 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 एकलकों से मिलकर बना होता है। क्या बच्चा? अलग अलग जो है या दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या होते हैं, सहबहुलक बोल रहे होते हैं। इसको कोपॉलीमर बोला जाता है। क्या बच्चा? कोपॉलीमर बोला जाता है। इसको जो है होमोपॉलीमर बोला जाता है बेटा, और इसको जो है कोपॉलीमर बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग बच्चे जिन भी बच्चों को जो है इंग्लिश में थोड़ा सा जो है जानने में थोड़ा रुचि होगी बेटा, तो वो आप लोग जो है साथ साथ याद रखिएगा, जिससे आपको जो है इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रूव हो पाएगी। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो दो से अधिक जो है प्रकार के एकलकों से बहुलीकरण से क्या होता है बेटा, हमारा जो है सबहुलक का जो है फॉर्मेशन कराता है, सबहुलक उसको हम बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो एसब्यूना और बेकेलाइट, ये जो है एकदम प्राइम एग्जांपल है बच्चे हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राइम एग्जांपल है। क्यों? बेकेलाइट जो है बेटा, बेकेलाइट का फॉर्मेशन जो है एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। मैंने क्या बोला भैया, आप लोग फटाफट अपने कॉपी के अंदर स्टार बना के लिख लीजिए मैंने जो बोला वो। क्या बच्चा? पीवीसी पहला जो टॉपिक रहेगा, पीवीसी बेटा बेकेलाइट, ठीक है, और उसके बाद ब्यूना एस, ठीक है, ब्यूना एस, ये जो तीन टॉपिक आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा बच्चे, इसको जो है आप लोग कॉपी के अंदर बहुत गजब तरीके से जो है स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने क्या बोला बच्चा, वापस से सुनो, यहाँ ये जो तीन क्वेश्चन है हमारे जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। और वापस मैं आपको बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत मेजर टॉपिक कराऊंगा, जैसे कि टेफ्लॉन, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा, बस थोड़ा सा सबर रखना। ठीक है, अब चलो भैया ये चीजें यहां पे समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो ठीक है, ये सारी चीजें समझ तो आ गई, अब मेरे को बच्चे बता दो भाई, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि भैया थर्मोप्लास्टिक क्या होती है। ठीक है, अगर बच्चे मैं आपको जो है यहाँ पे पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो पॉलीमर की क्लासिफिकेशन बहुत चार तरीके से होती है। ठीक है, उसके अंदर बेटा बहुत से ऐसे सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, सब टॉपिक्स आते हैं, उन सब टॉपिक्स को हम लोग कवर अप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे जो है पॉलीमर होता है, ठीक है, ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग जो है कैसे जो हमारा पॉलीमर होता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के हिसाब से हमारा पॉलीमर कैसे होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, अब देखो थर्मोप्लास्टिक की मैं यहाँ पे बात कर दिया कि थर्मोप्लास्टिक आखिर क्या होता है सर। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक की जो है कभी कभी बच्चे आपको एग्जाम इसमें जो है डेफिनेशन के साथ साथ जो अंतर पूछा जाता है, डिफरेंस क्या होती है दोनों में, ये पूछा जाता है। तो बच्चे आपको पहले ये समझना होगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, थर्मोसेटिंग क्या होती है, ठीक है, तभी तो लिख पाओगे ना यार।
समझ में आया। अब देखो थर्मोप्लास्टिक की अगर मैं बात कर दिया प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार के बहुलकों के बीच जो है क्या होता है बेटा, उपस्थित अंतर, क्या होता है उपस्थित जो अंतर आणविक बल होता है वो क्या होता है एलेस्टो, क्या होता है एलेस्टोमर तथा फाइबर, क्या बच्चा एलेस्टोमर तथा फाइबर तंतु की तुलना में क्या होता है बेटा कम होता है। अब ये आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये एलेस्टोमर क्या होता है, एलेस्टोमर क्या होता है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि बच्चे ये फाइब्रन मतलब फाइबर क्या होता है, तो बेटा ये टाइप्स होते हैं, ठीक है ये हमारे टाइप्स होते हैं पॉलीमर्स की, ठीक है जैसे कि एक टाइप हमारा थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक होता है, उसी प्रकार से हमारा क्या होता है बेटा एलेस्टोमर और जो है फाइबर जो होता है हमारा एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है किसका, ठीक है पॉलीमर का, बहुलक का। क्लियर है सारे बच्चे को, ठीक है इसलिए मैं बोला था बच्चे कि हमको कंसेप्ट पहले समझना, बाई जो है कंसेप्ट समझना होता है, ठीक है इस प्रकार से भैया हम स्टार्ट करते हैं। देखो भैया फटाफट, अब इस प्रकार के बहुलकों के बीच में क्या होती है बच्चा, बीच में उपस्थित जो अंतर आणविक बल होता है वो क्या होता है एलेस्टोमर तथा जो है फाइबर तंतु की तुलना में क्या होता है बच्चा कम होता है, ठीक है कमजोर होता है, कम होता है। इनके बीच जो क्या होता है बेटा वंडर वॉल फोर्स जो होता है, ठीक है अब ये मत बोल देना भैया कमेंट सेक्शन में कि वंडर वॉल फोर्स क्या होता है सर, बहुत बचपन की बातें हैं, वंडर वॉल फोर्स आखिर होता क्या है, क्लियर है समझ में आया। तो भैया यहाँ पे बात करें कि वंडर वॉल फोर्स क्या होता है, ठीक है तो वंडर वॉल फोर्स यहाँ पे बात करने की नीड नहीं है, क्यों भैया क्योंकि ये हमारे लिए अभी इतना रिलेवेंट नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो भैया क्या होगा इनके बीच में जो दुर्बल क्या होगा वंडर वॉल फोर्स होने वाला है, वंडर वॉल्स, ठीक है इसको वंडर वॉल बोलते हैं, ठीक है ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिखना बेटा वहाँ पर वंडर वॉल, ठीक है वंडर वॉल बल कार्य करता है जो कि क्या होता है बेटा बहुत कम होता है। अब देखो भैया थर्मोप्लास्टिक बहुत, ठीक है थर्मोप्लास्टिक होते हैं बहुलक प्राय रेखीय स्ट्रक्चर के होते हैं, रेखीय बहुलक होते हैं। अब बेटा ये स्ट्रक्चरल बेसिस पर जब पॉलीमर को पढ़ोगे तो वहां पे भैया तीन तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा रेखीय स्ट्रक्चर, एक होता है बेटा हमारा क्रॉस स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर, ठीक है और दूसरा होता है बेटा हमारा चैन स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे फिलहाल बात नहीं की गई, तो हम सिर्फ जो है अपने बहुलक प्राय रेखीय क्या होते हैं बेटा, रेखीय बहुलक होते हैं जिनको गर्म करके विभिन्न जो है वांछित आकार में क्या होता है मोल्ड रखा जा सकता है, मोल्ड करके रखा जा सकता है तथा फिर क्या करते हैं बेटा ठंडा करके जो है उसको एक आकार दूसरे आकार में जो है उसको बदल सकते हैं, ठीक है ठंडा करके, ठंडा कर लिया जाता था गर्म करने पर, ठंडा करने की जो प्रक्रिया कई बार इसको किया जा सकता है, क्या बोला भैया ठंडा कर दो, ठीक है गरम कर दो उसका, ठंडा कर दो, ठंडा करके फिर गरम कर दो, ठीक है ये प्रोसेस जो है कई बार किया जा सकता है इस केसेस में, थर्मोप्लास्टिक के केसेस में, ठीक है अब क्योंकि गर्म करने पर ये द्रव के समान हो जाता था, ठंडा करने पर ये क्या होता है बेटा रिजिड बॉडी की तरह होती, रिजिड हो जाती, ड्रिड हो जाती, ठीक है तो गर्म करने तथा ठंडा करने पर इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं आता। अब इसको जो मैं ओवरऑल जो आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ ध्यान से सुन रहे, अगर स्क्रीनशॉट लेना बेटा तो आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, ठीक है अब देखो बच्चा इसको थर्मोसेटिंग को और थर्मोप्लास्टिक को समझना है ना अपन को, तो थर्मोप्लास्टिक सबसे पहले बात करना है, थर्मोप्लास्टिक में आखिर क्या बोल रहा होता है, थर्मोप्लास्टिक ऐसा पॉलीमर होता है बेटा, ऐसा पॉलीमर होता है जो क्या करता है, ठीक है जिसको गर्म करने पर उसको जो है मोल्ड किया जा सकता है। अगर मैं प्लास्टिक की बात कर दूं प्यारे बच्चे तो आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक का बिहेव क्या होता है, अगर मैं उसको गर्म करूं तो वो क्या होता है मोल्टन फॉर्म पे आ जाता है, द्रवित अवस्था में आ जाती है, क्या बच्चा मोल्टन फॉर्म पे आ जाती है। अब उस मोल्टन फॉर्म को जो है हमारे प्लास्टिक रहेगा उसको मैं कोई भी शेप दे सकता हूं, ठीक है उसको मैं कोई भी शेप दे सकता हूं, एक ढांचा बना दूं, ठीक है एक ढांचा बना दूं कुछ भी तरीके का, वहां पे मैं उसको जो है कोई भी तरीके से शेप दे सकता हूं, आकार दे सकता हूं, क्लियर है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो ढांचे में फिक्स हो जाएगा जिससे वो अलग शेप मिल जाएगा। अब बच्चा इसको मेरे को वो शेप पसंद नहीं आया, वो आकार मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं इसको फिर से गर्म करूंगा और फिर से उसको द्रवित अवस्था में लेके आ जाऊंगा और बच्चे में फिर से उसका यूज कर पाऊंगा, ठीक है। अब ऐसे प्रोसेस के अंदर क्या होता है उसमें किसी भी तरीके की रासायनिक परिवर्तन नहीं होती, केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, समझ में आया। अगर हो रहे होते बेटा तो उसका जो शेप में परिवर्तन नहीं हो पाता, ठीक है नहीं हो रहे हैं तभी क्या हो उसके शेप में चेंजेस हम लोग कर पाएंगे, हीट करने के बाद उसके शेप में चेंजेस कर पा रहे हैं, क्लियर है सारे बच्चों को समझ में आया। अब देखो एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगा बेटा यहाँ पे, ठीक है एक बात और याद रख सुन लो जाते। अब देखो थर्मोप्लास्टिक में बेटा का जो फोर्स होता है, जो वंडर वॉल फोर्स होता है वो मौजूद होता है, ठीक है वंडर वॉल फोर्स जो है मौजूद होता है, किसके कंपैरिजन में कम होता है बेटा ये भी जान लो, ठीक है एलास्टोमर और फाइबर जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो है थर्मोप्लास्टिक जो होता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है कमजोर होता है, समझ में आया। अब क्यों कमजोर होते हैं बच्चे ये बहुत डीप कंसेप्ट है, यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं इसके पीछे का रीजन आपको पता है, ठीक है समझ में आया सारे बच्चों को। अब देखो ठीक है
अगर एग्जांपल की बात करूं बेटा तो पॉली, ठीक है, पॉलीस्टरीन और बच्चे क्या होते हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी से हम बोलते हैं। तो ये चीजें आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है बेटा, इसको याद रखने के लिए, ठीक है, ये एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। होप्स बेटा इस साल भी ये पूछा जा सकता है, तो आपको बेटा इसको कहना बहुत ही गलत तरीके से करके जाना है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग को, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा थर्मोसेटिंग के बारे में, ठीक है, अभी थर्मोप्लास्टिक कर रहे थे, अब जो है थर्मोसेटिंग के बारे में बात करते हैं कि आखिर थर्मोसेटिंग होता क्या चीज है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको जो है पढ़ने पे जाऊं बेटा, तो पढ़ आप भी सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के बहुलक में क्या होता है बेटा, इस प्रकार के बहुलक में निम्न आणविक द्रव्यमान युक्त तो क्या होता है, ठोस, अर्ध ठोस। अर्ध ठोस क्या प्रकार के होते हैं, मतलब ये सिंपल सी बात है कि हमारा जो प्लास्टिक होता है वो ठोस होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट पे होता है, ठीक है, ठोस होता है। लेकिन ये जो है थर्मोसेटिंग जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, अर्ध ठोस होता है। कुछ जो है ठोस की तरह भाती करता है, व्यवहार करता है, कुछ भी थोड़ा सा अठोस की तरह, अर्ध ठोस की तरह भी क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये हमारा जो थर्मोसेटिंग है ना बच्चे, ये क्या करते हैं, जो हमारा जो, ठीक है, तो ये जो हमारे क्या होता है बच्चे, थर्मोसेटिंग जो है एक अर्ध ठोस की भांति व्यवहार करता है, और इसके बीच जो बंध लगने वाला होता है बेटा, वो क्या होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू डा क्या होता है बच्चे, थर्मोप्लास्टिक। क्लियर सारे बच्चों को? अब देखो यहां पे बात करते हैं, जो कि गर्म करने पर, एक बात याद रख लो बच्चे कि थर्मोप्लास्टिक में क्या हो रहा था, उसको हम मोल्ट, इसको जब गर्म करने के बाद मोल्ट हो जा रहा था, ठीक है, द्रवित अवस्था में आ जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये जो है इसको एक बार मोल्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये भैया द्रवित अवस्था में आएगा, लेकिन उसके शेप में और जो है वापस से चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। जब हम थर्मोप्लास्टिक की बात करते थे बच्चे, तो वहां पे हमारा जो प्लास्टिक जो था, पॉलीमर जो था, वो क्या करता था, वो जो है उसकी अवस्था में चेंज होने के बाद उसको वापस से ठंडा करके उसको जो है किसी भी आकार में रख सकते थे, लेकिन इसको जो नहीं करती, क्योंकि इसमें केमिकल चेंजेस होती है। अब देखो बच्चा, ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, जो कि गर्म करने पर क्या होता है बच्चे, कठोर होता था, अघुलनशील तथा अगलिन, ठीक है, अघुलनशील, जो घुलता नहीं तथा अगलनीय, मतलब वो गलेगा भी नहीं, ठीक है, गलनीय हो जाते हैं। इस प्रकार के क्या होता है, इस प्रकार के बहुलक में अत्यंत क्रॉस बॉन्ड, क्रॉस क्रॉस बच्चा क्रॉस बंध क्या होता है, पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्रॉस बंध बोलेंगे बेटा, तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आओ, ठीक है। अब इस प्रकार से मैं नॉर्मल बॉन्ड बनाऊंगा बेटा, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा कम जो है स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसी को ऐसे चारों तरीके से, एक एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कभी कोई भी कंटेनर लेके जाना होता है, कोई भी डब्बा लेके जाना होता है, तो आप क्या करते हो, उसको चारों तरफ से ही बांधते हो, जिससे वो अच्छे तरीके से स्ट्रांग बने रहे, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो है क्रॉस बॉन्डिंग होने वाली, मतलब यहाँ पे क्रिस क्रैश चौक में, ठीक है, ऐसा क्रिस क्रॉस टाइप का कुछ भी क्रॉस बॉन्ड होने वाला है। क्लियर सर बच्चों को? ठीक है, जिससे गर्म करने पर बेटा त्रिविम नेटवर्क प्रदत्त क्या होता है, प्रदत्त ठोस क्या होती है, बन जाती है, त्रिविम प्रदत्त ठोस जो है बन जाती है। क्लियर सारे बच्चों को? ये जो एग्जांपल ना बच्चे, जो कुछ भी क्रिस क्रॉस होता है, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, इसके पीछे बहुत ज्यादा हमको पढ़ना होता है कि भाई आखिर ऐसे बॉन्डिंग जो कैसे बनी। इसको मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चर जब पढ़े रहते हैं तो वहां पे मैं आपको इसको क्लियर कराया रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे हम सीधा कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, फटाफट देखो। अब देखो गर्म करने पर क्या होता है, त्रिविम नेटवर्क प्रदत्त ठोस बन जाता है। इन्हें क्या करेंगे बेटा, थर्मोप्लास्टिक के समान पुनः जो पिघलाया नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि गर्म करने पर रासायनिक विघटन हो जाता है, रासायनिक विघटन, रासायनिक जो है परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है। इस प्रकार से बहुलकों के उदाहरण में बेटा आप लोग को जो है बहुत महत्वपूर्ण बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड तथा रेजिन, ठीक है, इसको आपको याद करके रखना है। एक बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, जब मजा ही आ जाएगा, आप लोग समझ ही जाओगे कि आखिर थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, एक थर्मोसेटिंग क्या होता है। अब थर्मोप्लास्टिक की बात करूं बच्चे, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक जो है देखो, एक जो हमारे पास एक लड़का रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, कुंवारा जो लड़का रहता है बेटा, वो क्या करता है, उसका जो है कोई भी लड़की देखता रहता है, तो उसके उसका दिल क्या करता है, बोल मचलता रहता है, ठीक है, क्या करता है, मचलता रहता है। वो बोलता है भैया कोई, जब भी कोई लड़की, गाना होता है ना हमारे पास, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, तो ऐसा होता है बेटा। ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है, ये जो क्या होता है, कोई भी किसी भी तरीके से क्या होता है, चेंज होता रहता है, इसकी मर्जी, जब ठंड कर, इसके जो है आपकी मर्जी, जब इसको क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उसको पिघला दो और क्या कर दो, कुछ भी तरीके से उसको मोल्ड कर दो, ठीक है। लेकिन बच्चे हमारा जो थर्मोसेटिंग होता है, बोलने से भी सेटिंग मतलब इसकी शादी हो गई, ठीक है, सेटिंग मतलब शादी हो गई, ठीक है, इसमें जब कोई भी, इसमें जब वो, ये तो ये नहीं गा पाएगा भैया, अब ये नहीं गा पाएगा ओले ओले करके, ठीक, इसको ओले पड़ जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। थर्मोसेटिंग का मतलब भैया ये शादी हो गई, तो ये किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हो पाएगी, जो मिला है उसी में काम चलाना पड़ेगा वाला, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे बात करूँ थर्मोसेटिंग की, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसमें क्या होता है भैया, कुछ भी जो है केमिकल चेंजेस नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है, इसको हम लोग इजी तरीके से मोल्ड कर पाएंगे, इसको जो है बहुत टाइम इसलिए ले लिया बच्चे, क्योंकि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया सारे बच्चों को? चलिए बच्चे फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चे एक जो है आपके क्वेश्चन आता है कि जिगलर नाटक जो है क्रिस्टलाइन, ठीक है, सॉरी कैटलिस्ट, ठीक है, जिगलर नाटक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक
किसे कहते हैं या फिर क्या है, इसका उपयोग भी बताइए। ये ऐसा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन से पूछा जाता है। बट आपको जो याद रखना है कि भैया ज़िग्लर नाटक क्या होता है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण होता है। क्या ज़िग्लर नाटक जो उत्प्रेरक होता है बेटा वो क्या होता है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ठीक है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम तथा जो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का क्या होता है बेटा, इसका जो मिश्रण होता है इसी हम लोग जो उत्प्रेरक के तौर पे यूज करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है कि आखिर उत्प्रेरक जो है कैटलिस्ट जो है क्या काम करता है, एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन, ठीक है। देखो भाई, आपको जब जो है पंडित जी देखे होंगे जब शादी कराते हैं तो वो शादी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कहने का मतलब उनकी शादी नहीं हो रही, लेकिन वो क्या करते हैं एज ए कैटलिस्ट वहां पे काम करते हैं। शादी कराने का काम कौन करते हैं, पंडित जी ही करते हैं। अब पंडित जी वहां पे शादी में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे, शादी में पार्टिसिपेट कहने का मतलब वो खुद तो शादी नहीं कर रहे। उसी प्रकार से बच्चा हमारे जो क्या होते हैं तत्व जो होते हैं, वो हमारे जो एलिमेंट होते हैं, हमारे जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वो क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो जो है करते हैं उस प्रोसेस के अंदर हम कैटलिस्ट जब यूज करते हैं तो कैटलिस्ट उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। कब है ना मेरे बच्चे, वो कैटलिस्ट जो होता है, उत्प्रेरक जो होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन भैया उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो जो है उस रासायनिक अभिक्रिया को या फिर कम कर सकता है या फिर बेटा बढ़ा सकता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भैया कैटलिस्ट का क्या काम होता है। तो यहां पे बेटा ज़िग्लर नाटक कैटलिस्ट पे अपन क्या किसकी बात करेंगे, एल्यूमिनेट, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम तथा भैया टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का जो हम जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं ज़िग्लर नाटक उत्प्रेरक के तौर पर काम करते हैं। अब ये यूज कहां होता है बेटा, उसके बारे में पहले आपको बता दूं कि भैया ये क्या होता है, जब लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात की जाएगी, लो डेंसिटी कहने का मतलब निम्न अल्प घनत्व पॉलीथीन की बात की जाएगी, और जो उच्च घनत्व पॉलीथीन में क्या बात की जाएगी, तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है किसमें, उच्च घनत्व पॉलीथीन में, ठीक है। तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा और रासायनिक अभिक्रिया भी करके दिखाऊंगा कि कैसे चीजें होती है। फिलहाल बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या बच्चा, अल्प घनत्व पॉलीथीन तथा उच्च घनत्व पॉलीथीन के अंतर के बारे में यहां पे पढ़ने वाला है कि आखिर भाई हमारा अल्प घनत्व पॉलीथीन क्या होता है और उच्च घनत्व पॉलीथीन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में भी ये लिख दो, ये जो है कमेंट सेक्शन में लाकर छाप दो बेटा कि पॉलीथीन आखिर क्या होता है। क्लियर है बच्चे, ये आज का बच्चे आपके लिए होमवर्क कि पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या होता है, पॉलीथीन आखिर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चे आगे बढ़ते अपन, ठीक है, पॉलीथीन टेफ्लॉन ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, धीरे धीरे से। अब देखो पॉलीथीन की मैं बात किया तो पॉलीथीन बच्चा, ठीक है, पॉलीथीन क्या बता रहा है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन की जो फॉर्मूला होती है CH2CH2 होता है, ये जो योगात्मक क्रिया करती है बेटा, क्या होता है, योगात्मक एडिशनल रिएक्शन होती है, एडिशनल पॉलीमर होता है, ठीक है। ये सारी चीज अपन पढ़े हुए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था बच्चे की इंटरमोलिकुलर फोर्स के हिसाब से हमारे पास जो है बहुत से जो है टाइप्स होते हैं पॉलीमर्स, उन्हीं में से एक टाइप हमारा क्या है बच्चा, योगात्मक पॉलीमर, ठीक है, योगात्मक पॉलीमर, योगात्मक बहुलक हम जिसे बोलते हैं, ये चीज है, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको क्लियर होगी। और इसके जो बच्चे दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं, और जिसमें से पहला जो टाइप है प्यारे बच्चा वो क्या है, निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन, क्या बच्चा, निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन, क्लियर है सारे बच्चों को, इसी को हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको LDP से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी बच्चा अगर एग्जाम्स के अंदर LDP पूछा जाए बच्चे तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो किसके बारे में पूछ रहा होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में वहां पे बात कर रहे होंगे, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो इसको अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बच्चे, तो डेफिनेशन के फॉर्मूले पे इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जब पॉलीथीन को क्या होता है, जब पॉलीथीन को 350 केल्विन से, 350 केल्विन से और बच्चे 370 केल्विन व तथा क्या होता है 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब पर ऑक्सीजन की अल्प मात्रा में निम्न, याद रखना एक की पॉइंट यहां पे याद रखना बच्चा, ठीक है, कि आप की पॉइंट याद रखना है आपको कि भाई निम्न जब होगा ना, निम्न, ठीक है, निम्न घनत्व की बात होगी तो निम्न घनत्व के मामले में, निम्न घनत्व के मामले में बेटा हम जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के बारे में बात करेंगे, और उच्च घनत्व में बच्चा हम लोग जो ऑक्सीजन की जो है अधिकता के बारे में बात कर रहे होंगे, क्लियर है। ये की पॉइंट आप लोग बच्चे अपने कॉपी के अंदर जो फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखना, ये उच्च घनत्व जो है और निम्न घनत्व में एक और तरीका आपको याद रखना है, ठीक है, क्या रखना है बच्चा, वहां पे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, निम्न घनत्व में वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने वाला है वो ज्यादा होगा, क्या बच्चा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसको जो है केमिकल रिएक्शन लिखूं प्यारे बच्चे, तो केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम ध्यान से देखते रहना। जस्ट बच्चे हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं कि CH2 एथिलीन में डबल बॉन्ड इस तरीके से होता है बेटा, CH2 जब इसमें क्या होता है, हम लोग प्रेशर लगाते हैं, कितना प्रेशर,
1000 से 2000 का प्रेशर, 1000 ठीक है से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम जिसे मैं बोलूंगा, ठीक है सॉरी एटीपी बोलूंगा, ठीक है एटीपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ ही साथ बच्चे क्या था 350 केल्विन टेम्परेचर से 750 केल्विन तक का जब मैं क्या करूंगा टेम्परेचर ही लगाऊंगा, तो बच्चे जो मेरा एथिलीन है ठीक है CH2 जो एथिलीन है बेटा ये क्या हो जाएगा हमको जो है पॉलिथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब भैया हमको क्या मिलेगा CH2 जो है डबल बॉन्ड, यहां से क्या होता है बॉन्ड जब टूटता है बेटा, बॉन्ड जब टूटता है तो क्या होता है CH2 सिंगल बॉन्ड, और मेरे को CH2 सिंगल बॉन्ड इस तरीके से मेरे को मिलता है, क्लियर है सारे बच्चों को ठीक है। और ये प्रोसेस आगे चलता रहता है, इसके सामने भी CH2 आ जाता है बच्चा ठीक है, इसके पिछले वाले जो है CH2 भी आ जाता है, तो आपको पता है बेटा कि मैंने आपको बताया हुआ ये जो होता है क्या हमारा पॉलीथीन होता है ठीक है, ये हमारा क्या होता है पॉलीथीन होता है, क्लियर है सारे बच्चों को। तो इस प्रकार से बच्चे हमारा क्या होता है निम्न घनत्व वाला जो पॉलीथीन के बारे में पूरी की पूरी ओवरऑल जानकारी अपन ले लिया। अब इसकी कुछ विशेषता है कुछ गुण के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कुछ गुण होते हैं, ध्यान से सुनना चीज आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझ में आ सारे बच्चों को। देखो बहुलीकरण की क्रिया में मुक्त जो मूलक होता है बेटा ठीक है क्रियाविधि के द्वारा क्या होती है संपन्न होती है, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है तथा इसका जो प्रारंभ क्या होता है ऑक्सीजन के द्वारा होता है बेटा, इसका रिएक्शन क्या होता है ऑक्सीजन के अल्प मात्रा में होता है, क्या बच्चा ऑक्सीजन जब बहुत कम जो है क्वांटिटी में होती है एटमॉस्फेयर पे, तो उस केसेस पे हम क्या करते हैं निम्न लो डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर सारे बच्चों को। जब हाई डेंसिटी फ्लो पॉलीथीन की बात होगी बेटा तो वहां उस केसेस पे अपन जो है किसकी जो है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन की हाई कॉन्सेंट्रेशन में बात करोगे, मतलब ऑक्सीजन की जो प्रेजेंसी रहेगी वो ज्यादा होगी किसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन के ऊपर, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के ऊपर। तो देखो बच्चा क्या होता है दूसरा होता है इसकी साखित संरचना होती है, जैसे मैंने आपको पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर बताया नहीं, लेकिन जिन बच्चों को अच्छे से एकदम जो पॉलीमर के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चे वो क्या करेगा गूगल प्ले स्टोर पे जाइए अभिप्सा का बेटा वहां पे ऐप मिलेगा, सर्च कर सकते हो आप वहां से अभिप्सा का जो है ऐप डाउनलोड कीजिए, और मेरे जो केमिस्ट्री का जो पूरा ओवरऑल लेक्चर है बेटा वो बहुत एंजॉय कीजिए ठीक है, वहां से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। अब देखिए अगर ये क्या होती है इसकी साखित संरचना होती है, मतलब इसमें स्ट्रक्चर्ड जो है क्या होता है क्या होता है संरचना होता है ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बताया ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे चीजें होती है ठीक है। अब देखो इसका आणविक द्रव्यमान लगभग बेटा क्या होता है 20,000 होता है ठीक है, 20,000 होता है, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो साखित होने के कारण क्या होता है यह भली भांति संकुलित नहीं हो पाती, मतलब इसके ब्रांच अगर इस तरीके से फैले रहेंगे इधर उधर इधर ऐसे करके फैले रहेगा तो तो उसको हम कैसे संकुलित कर पाएंगे एक जगह ऐसे रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए क्या होता है बेटा इसको संकुलित करना जो है इजी नहीं होता, क्लियर सारे बच्चों को। तो क्या होगा संकुलित नहीं होती तथा सॉरी अतः इसका निम्न क्वथनांक क्या होता है बेटा निम्न क्वथनांक ठीक है, इसका क्वथनांक याद रखना 384 केल्विन तथा निम्न घनत्व क्या बेटा 0.02 to 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्लियर सारे बच्चों को। इसके थोड़े थोड़े आपको जो पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने इतनी भी है, ये मेजर जो है प्रायोरिटी रखती है जब आपके एग्जाम्स के अंदर बेटा पूछा जाए कि निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन क्या होता है तो आपको इसको लिखना है, और वहां पर आपको 3-4 बच्चे क्या कर देना है गुण जो है लिख के आ जाने, क्लियर सारे बच्चों को, जिससे आपको जो है एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से नंबर मिल पाए, क्लियर है सारे बच्चों को ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर उपयोग की यूजेस की मैं बात करूं बेटा तो इसका यूज जो है ना क्या करते हैं इसका यूज जो है हम लोग क्या करते हैं पतली प्लास्टिक फिल्म बनाने में करते हैं, क्या बच्चा मैंने बोला पतली जो प्लास्टिक फिल्म होती है ठीक है, जैसे अपन फोटो खिंचाते हैं पुराने जमाने पे तो वहां पे फिल्म से हमको जो है फोटोग्राफ्स मिले करते थे, तो उसी पतली जो है प्लास्टिक की जो फिल्म बनती है वहां पे यूज करते हैं, बैग्स रेनकोट्स पाइप इन सारे चीजों में क्या होता है बेटा पॉलीथीन का यूज किया जाता है, क्लियर है सारे बच्चों को, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूं ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे ठीक है, देखना देखो यार जब तक सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं लगेगा तब तक आपको चीजें जो है भारी लगती जाती है ठीक है, जब सब्जेक्ट में मजा आने लग जाए ना फील करने लग जाए ना भाई ठीक है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, बस आप फील करते जाना ठीक है। देखो अपन आगे बढ़ते बेटा, अब मैं जो कि निम्न घनत्व की बात किया, अब बच्चे मैं क्या करूंगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करूंगा जिसे हम एचडीपी बोलते हैं, जब एग्जाम्स के अंदर एचडीपी है तो वापस से आपको नहीं भूलना है, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो जब एथिलीन को क्या करते हैं हम लोग 333 या फिर 343 केल्विन में ठीक है 333 या 343 केल्विन में, इसको जो है आपको रिएक्शन लिखा देता हूं आपको फटाफट से याद हो जाएगी सारी चीजें ठीक है। देखो CH2 इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो टेम्परेचर रहेगा थोड़ा कम रहेगा किसके कंपैरिजन में निम्न घनत्व के कंपैरिजन में, क्यों इसका बच्चा देखो ध्यान से, इसमें होता है 333 केल्विन तो 345 केल्विन के बीच में बच्चा, और इसका जो होता है 6 से लेकर 7 तक
एटीएम तक, क्या बच्चा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। और हमको क्या बनाता है, डबल बॉन्ड टूट के CH2 सिंगल बॉन्ड बना रहता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से बच्चे हमारे पॉलीथिन की फॉर्मेशन होती है। इसको आप लोग फटाफट लिख लिए बच्चे। और यहां पे एक बात याद रखना, यहां पे एज अ कैटलिस्ट, मैंने क्या बोला, एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट बेटा, यहां पे जिंगलन नाटा जो है, जिंगलन नाटा, ठीक है, यहां से एज अ कैटलिस्ट, यहां से बेटा एक एज अ कैटलिस्ट जो है जिंगलन नाटा जो कैटलिस्ट था, ठीक है, जिंगलन नाटा कैटलिस्ट का यूज किया था, जिंगलन नाटा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का यहां पे क्या होता है, यूज किया जाता है। तो आपको ये याद रखना, और मैंने आपको बताया हुआ बेटा कि जिंगलन नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है, वापस से मैं आपको बता देता हूं, देखो बच्चे, ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया हुआ कि आखिर जिंगलन नाटा कैटलिस्ट क्या होता है। बच्चे, जिंगलन नाटा जो कैटलिस्ट होता है ना, वो क्या होता है, देखो ध्यान से, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और जो है ट्राई एथिल एल्यूमिनियम का क्या होता है, मिक्सचर होता है। वही मिक्सचर जो क्या होता है, हमारे उच्च डेंसिटी, मतलब भैया हमारे जो है हाई डेंसिटी पॉलिथीन के ऊपर जो है एज अ कैटलिस्ट काम करता है। क्लियर है सारे बच्चों को, ये हम यूज कर रहे होते हैं। ये है फंडा, आपको जबरदस्त तरीके से याद हुआ होगा, ठीक है। अब यहां पे बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, तो प्रॉपर्टीज आखिर क्या होती है, इसको फटाफट बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां पे जैसे हमारे वो वाला जो क्या था, शाखित जो है, ब्रांच जो है, स्ट्रक्चर था, यहां पे बेटा लीनियर स्ट्रक्चर था, क्या होता है, श्रृंखला, रेखीय श्रृंखलन होता है यहां पे, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। देखो यहां भली भांति क्या होता है, संकुलित हो सकता है। अब बच्चे ध्यान से समझो कि भाई जो हमारा एक स्ट्रक्चर रहेगा वो फैलेगा नहीं, तो उसको हम अच्छे से भैया भर पाएंगे, एक डिब्बे में संकुलित कर पाएंगे। अगर वो ब्रांच फैल रहा है, ब्रांचेड है, तो उसको हम संकुलित नहीं कर पाएंगे। एकदम इजी बात है। अगर उच्च घनत्व के पॉलीथीन की तुलना में इसका जो गलनांक होता है बेटा, वो क्या होता है, इसका गलनांक जो होता है वो इसका जो 403 केल्विन होता है बेटा, और इसका जो घनत्व होता है क्या होता है, 10 से लेकर भैया 10 से लेकर 97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया फटाफट, ठीक है। अब इसको कुछ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, यह उच्च दृढ़ता वाली होती है, कठोर, हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है बेटा, कठोर होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो उच्च तन्यता क्या होता है बेटा, उच्च तन्यता वाला होती है, जैसे मतलब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, ये बोलना चाह रहे हैं क्लियर बात में, ठीक है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रांग जो होता है बेटा, स्ट्रांग बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, निम्न पॉलीथीन के कंपैरिजन, निम्न जो है डेंसिटी वाले पॉलीथीन के कंपैरिजन में, एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल। इसका उपयोग की मैं बात करूं बेटा, यूजर्स की बात करूं, तो यहां पे पाइप, बॉटल, बाल्टी, ट्यूब्स एवं खिलौने, डस्टबिन, ये सारी चीजें बनाने में ना इसी का यूज किया जाता है, सिंपल है, फील कर पा रहे हो, मजा आ रहा है आपको, ठीक है। अगर मजा आ रहा है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करोगे तो मजा आएगा। किसी टॉपिक में दिक्कत आती तो वहां पूछो, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो, ठीक है। जब आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, हमको अच्छा रिजल्ट दे के आओगे बेटा, ठीक है, तो हमको मजा आएगा, हमको जो है एक ऐसा होगा कि भाई आपने हमको जो है, हमने जितनी जो मेहनत की है उसका रिटर्न दिया है आप लोगों ने, ठीक है। तो आप क्या करो बच्चे, अच्छे से पढ़ाई करो यार, अभी टाइम है, 20 दिन बाकी है, ठीक है, 20 दिन बाकी है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, तग लग के पूरी मेहनत करो, जी जान लगा दो अभी, ठीक है। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा बेटा, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको यहाँ इस चैनल पे बेटा मिल जाएगी, फिजिक्स मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सबके जो है यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हो एकदम डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है सारे बच्चों को? चले बच्चा फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अति भयंकर, भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट बेटा, टेफ्लॉन के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले। टेफ्लॉन का एक और नाम होता है बेटा, टेफ्लॉन का एक और नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन बेटा, इसको हम लोग टेट्राफ्लोरो, ठीक है, टेट्रा, एक इसको हम लोग पॉलीटेट्रा, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बोलते हैं। क्या बच्चा? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बोल रहे होते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्स के अंदर आया तो बेटा यहां पे कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब बच्चे इसको जो है एक्सप्लेनेशन के ऊपर आता हूं, तो इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? फ्लोरो की बात कर दे बच्चे, फ्लोरो की बात कर दे तो यहां पे फ्लोरीन ऐड हो जाएगा, एथीन हट जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर देखो बेटा एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक, एग्जाम्पल मतलब स्ट्रक्चर की मैं बात कर दूं, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2CH2 था प्यारे बच्चे, हमको यही पता था एथिलीन इसी तरीके से, मतलब बस इस H2 के जगह पे प्यारे बच्चे, ठीक है, इस H2 के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 आ जाएगा। क्या बच्चा? F2 आ जाएगा इस तरीके से, CF2।
अब बच्चा सेम सारे के सारे जो प्रोसीजर है सेम होने वाले, यहां से जो ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहां पे बेटा क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ, हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर के साथ बेटा, ठीक है, इसके आगे ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद बेटा ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाए, सॉरी डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात भाई, ठीक है, बहुत सिंपल। इसको अपन बोलते क्या है, टेफ्लॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, टेफ्लॉन, ठीक है, जहां पे फ्लोरीन का यूज होगा, मतलब फ्लोरीन आ गया। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा इजी। मजा आया बच्चा, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आया होगा, उम्मीद करो। अगर नहीं मजा आया तो भाई लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर ये मेरे को और वापस से समझना है, इसको मजे लेने, इसको फोड़ देना पूरा मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिख दो, जोश की तरह लिख दो बेटा, ठीक है, जोश होना चाहिए आपके पढ़ने में, समझ में आया। चलिए फटाफट देखते हैं, ठीक है, इसको मैं पढ़ता हूं। देखो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, सी ये यहां पे कुछ गलत है बेटा, यहां पे थोड़ा फोकस करते जाना, क्यों है तो ना टाइपिंग के टाइम पे जो है थोड़ा सी गलती हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चा है, ये क्या है, एथिलीन है, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता था टेफ्लॉन को फ्लोऑन भी बोला जाता है, क्या बच्चा, फ्लोऑन, ठीक है, टेफ्लॉन को फ्लोऑन भी बोला जाता है, तथा टेट्राफ्लोरोएथिलीन को उच्च दाब पर, क्या बोला बच्चे, उच्च दाब पर क्या होता है, अमोनियम पैरासल्फेट के साथ, अमोनियम पैरासल्फेट, ठीक है, ये हमारे एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अमोनियम पैरासल्फेट जो होता है बेटा, ये जो, ठीक है, NH4S2O, ये जो हमारे क्या होता है, एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की तरह काम में लिया जाता है, ठीक है, उत्प्रेरक की तरह काम में कीजिएगा, और इसको गर्म करने पर हमको टेफ्लॉन या फिर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन हमको यूज किया जाता है बच्चे, ठीक है। अब टेफ्लॉन कहां कहां पे यूज होते हैं ये बात सुन लो भैया, जब भी आपने क्या होता है नॉन स्टिकी बर्तन देखे होंगे, नॉन स्टिकी बर्तन मतलब जब भी वहां पे कुछ भी चीजें जल जाती तो वहां पे चिपकता नहीं है, वहां पे चिपकता नहीं, बर्तन में चिपकती नहीं है कोई भी चीज, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉली, क्या बोल बेटा, टेफ्लॉन का वहां पे कोटिंग हुआ रहता है, इसीलिए वो जो बर्तन नहीं चिपकता है। आपकी मम्मियों से पूछना बेटा कि भैया कैसे चीजें होती, बच्चों के मम्मी, ठीक है, उन सारे बच्चों से जो क्या होना है, पूछना है अपने मम्मी से कि भाई यहां पे हम जो यूज करते हैं ना मम्मी, ठीक है, बर्तन जो यूज करते हैं क्या वो चिपक जाती है, अगर चिपक जाती बेटा तो वहां पे टेफ्लॉन की कोटिंग नहीं हुई है। ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जहां पे टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, मतलब आवरण चढ़ाया जाता है, जिससे जो भी चीजें होती है वो चिपकती नहीं है, इजिली साफ हो जाती है, ठीक है, इसीलिए। क्लियर है सारे बच्चों को? अब थोड़ा सा बढ़ते हैं बेटा, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इसमें रासायनिक अक्रिय तथा ताप के प्रति अवरोध होता है बेटा, क्या होता है, अवरोध की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अक्रियता, अक्रियता की प्रॉपर्टी, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने की प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ टेम्परेचर का अवरोध करता है बेटा, क्या होता है, ताप के प्रति अवरोधक का गुण रखता है, ठीक है। देखो यह कड़ा होता है तथा क्या होता है, 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, मतलब एक बर्तन के बारे में सोचो बच्चे, एक बर्तन के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग हुई है, क्या हम उसको 330 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, तो वो चिपकेगा भी नहीं, जब पॉसिबल ही नहीं उतना डिग्री सेंटीग्रेड देने का, तो पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे हम उसको क्या करेंगे, हमें बर्तन के अंदर वो इजिली चिपकेगा नहीं, समझ में आया, समझ में आया बेहतरीन तरीके से। यहां तक कि यह प्रबल अम्लों जैसे HNO3, H2SO4, ठीक है, HCl, अमरास तथा सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों में भी क्या होता है, प्रभावित नहीं होता। इतना जबरदस्त तरीका है बेटा ये, इतना जबरदस्त तरीका है कि ये एसिड के साथ, ना ही बेस के साथ, ना तो क्षार के साथ, ना तो अम्ल के साथ, किसी के साथ भी क्या करता है, क्रिया नहीं करता, इसीलिए इसको बर्तन के कोटिंग में यूज किया जाता है, समझ में आया। इसके उपयोग में लिखना बच्चे आपको, ठीक है, उपयोग, इसका उपयोग रसोई घर में नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में किया जाता है, नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में किया जाता है, वापस सुनो बच्चे, इसका उपयोग जो नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में किया जाता है, समझ में आया। अब देखो इसका उपयोग भैया क्या था, सील तथा बास्केट आदि बनाने में किया जाता था, उच्च दाब सहन करने के, क्या बोलते हैं, उच्च दाब सहन करने में क्या होता है, समर्थ होता है, ठीक है, समर्थ होता है। अब देखो इसका उपयोग जो विद्युत इंसुलेशन में भी किया जाता है, विद्युत इंसुलेशन, टेफ्लॉन के क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, हम जो वायरिंग करते हैं ना, तो वायरिंग के ऊपर जो वहां पर टेफ्लॉन की कोटिंग हुई थी वायरिंग में, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, ताप को जो है अवरोध करता है। अपन अभी भी पढ़े कि ताप का अवरोध, सॉरी ताप का अवरोध करता है, इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि विद्युत का भी अवरोध करेगा, क्या करेगा बेटा, विद्युत का भी अवरोध करेगा, करंट का अवरोध करेगा, करंट का अवरोध कर रहा है बेटा, इसको हम लोग वायर की कोटिंग में यूज कर सकते हैं, जो वायर में क्या, वायर में क्या होता है, हम जो वायर देखते हैं तो वहां पर नीले पीले रंग की जो कोटिंग हुई रही थी ना, उसी को मैं बोल रहा हूं, उसके अंदर में तार होते हैं बेटे, उसके अंदर में तार होते हैं, वो वायर की पहले नहीं होती, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, ठीक है, वायर्स की, ठीक है, तो पॉलीथिन की कहां पे कोटिंग होती है, वायरस के अंदर, ठीक है, तो याद रखना सारे बच्चे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, एग्जांपल्स आपको जो है रिलेट करने आना चाहिए, फील करने आना चाहिए बच्चा, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब मैं पॉली जो है पॉलीविनाइल
क्लोराइड की बात करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगेन बच्चे मैं आपको बोलूंगा इसको जो है आप लोग कॉपी के अंदर बहुत गजब तरीके से स्टार बना के लिख ले, 3 स्टार 4 स्टार जैसी आपकी मर्जी वैसे बना दो, छाप दो भाई पूरा, ठीक है। लेकिन याद होना चाहिए, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पॉलीवोनाइल क्लोराइड की मैं बात करूं, जिसने टाइम अपन बोल रहे थे भैया स्टार्टिंग से पढ़ना पीवीसी 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 क्या होता है, आखिर क्या बवंडर है पीवीसी, इसके बारे में बात करूं तो पीवीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो विनाइल क्लोराइड को बेटा किसको मैं बोला विनाइल क्लोराइड, ठीक है। मैं यहां पर क्या बोला विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड को क्या करेंगे बच्चे अक्रिय विलायकों में बेंजॉइल, अक्रिय विलायक बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर यह क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं बेटा, ठीक है एग्जांपल नहीं बात कर सकते, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन। अगर मैं आपको रिएक्शन करना सिखा दूं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, पहले विनाइल क्लोराइड का बच्चा विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, देख लो बच्चा फटाफट देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, क्या होता बेटा CHCl, ये मेरा होता है, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चों को, देखो बच्चा यहाँ पे क्या हुआ CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब देखो बच्चे ये हमारा एन नंबर होने वाला पक्का, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या होगा भैया, हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड की थी, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंसी में, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंसी में बेटा ये क्या हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे CH2 जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और मेरे को Cl मिल जाएगा, सॉरी क्या मिलेगा CH मिलेगा, और बच्चे मेरे को Cl इस तरीके से मिल रहा होगा, ये मेरा क्या होगा आने वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे भैया CH कंपाउंड अलग से लगेगा और बेटा ये यहाँ पे एन नंबर लगा देता हूँ फटाफट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पॉलीथिन का फॉर्मेशन हो जाएगा भैया, मतलब पॉलीथिन कहने का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉली क्या बच्चा पॉलीविनाइल, ठीक है पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, ठीक है। देखो बहुत इजी बहुत सिंपल, ठीक है। यहाँ पे बेटा बेंजाइल पेरोक्साइड का जो हम क्या करेंगे एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे, उसकी प्रेजेंसी में एज अ विलायक उसको बात किया, कैटलिस्ट नहीं यहाँ पे विलायक के बारे में बात किया, विलायक के तौर पर हम कह लेंगे बेंजाइल पेरोक्साइड लेंगे, बेंजाइल पेरोक्साइड की प्रेजेंसी में बेटा क्या होता है उसी के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है विनाइल क्लोराइड क्या करेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर बेटा आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसकी मैं गुण की बात करूं, प्रॉपर्टी की बात करूं, तो ये गुण आप लोग सबसे पहले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं, देखो ठीक है फटाफट ले लिए। अब देखो थर्मोप्लास्टिक होता है बेटा, इसका प्लास्टिकता क्या होता है, ये क्या होता है थर्मोप्लास्टिक का गुण रखते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है बच्चे, जिसका शेप अपन बदल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक मतलब जिसका सेटिंग आपको याद है ना, मैं आपको बोला हुआ था, गाना भी सुनाया हुआ था, ठीक है। जहां पे बच्चे हम जिस प्लास्टिक का क्या कर सकते हैं शेप जो है गर्म करके उसको चेंज कर सकते हैं, कभी भी कुछ में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, वो हमारा क्या था बच्चा थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है। अब इसकी प्लास्टिकता को हम क्या बोलेंगे प्लास्टिसाइजर, इसकी प्लास्टिकता को प्लास्टिसाइजर को मिलाकर बढ़ाया जा सकता है, क्या बच्चा बढ़ाया जा सकता है, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। बहुत ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट, क्या बच्चे हमारा जो पीवीसी होता है यहां पे हम क्या डालेंगे प्लास्टिसाइजर डालेंगे, और प्लास्टिसाइजर डालने के बाद इसकी जो प्लास्टिसिटी होती है बेटा, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी की बात करें प्लास्टिसिटी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा बढ़ जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो यह भी क्या होता है विद्युत इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर कुचालक होता है, विद्युत धारा का कुचालक होता है, इसका उपयोग बेटा हम लोग अग्नि यहां क्या होते हैं अग्नि रसायनों के प्रति अवरोध में भी किया जाता है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। जब भी मैं आपको बोलता हूं ना कि इसको लिख के रखना है अपने कॉपी के अंदर, तो मतलब इसका मतलब वो इस साल जो है एग्जाम्स के अंदर आने के पॉसिबिलिटी जो है 90% तक होगी, समझ में आया मैं क्या बोल दिया कि भैया जब भी मैं आपको ये बोल दूं कि भाई ये लिख के रखो, ये सबको स्टार बना के लिखो, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी 90% तक है एग्जाम्स में आने की, क्लियर है सारे बच्चों को। पूरे एनालिसिस करके यहाँ पे जो है बेटा सीरीज चल रही है, ठीक है। अब देखो इसकी मैं यूजेस की बात करूँ सर, यूजेस में क्या होता है इसका उपयोग सीड पाइप वाटर हाउस, ठीक है, जलरोधी सारी चीजें बनाने में बेटा क्या होता है इसका यूज किया जाता है, प्लास्टिक रोधी का, सॉरी प्लास्टिक रोधी मतलब इसको पाइप्स बनाने में, हाउस बनाने में, ठीक है बेटा, वायर्स बनाने सब कुछ में क्या होता है इसका पीवीसी का जो है यूज किया जाता है। जब भी आप नल फिटिंग होता है ना बेटा, नल फिटिंग देखते हो वहां पे क्या होता है जिस पॉलीथीन सॉरी जो पाइप का यूज करते हैं वो भी पीवीसी का ही बना होता है, समझ में आया, बहुत गजब तरीके से समझ में आएगा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट देखो, ठीक है। अब मैं पेन की बात करूं बेटा, पेन ठीक है या फिर अर्नॉल, क्या इसी को हम अर्नॉल भी बोलते हैं, पेन और अर्नॉल, ठीक है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये बच्चे आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जो बेटा क्या आपको पढ़ के जाना है, थोड़ा ओवरव्यू आपको लेके जाना कि आखिर ये होता क्या चीज है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि अर्नॉल भैया मतलब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल के साथ क्या होता है परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्या बच्चा
पॉलीएक्रोनाइट्राइल, जो एक्रिलो नाइट्राइल मतलब भैया वाइनिल साइनाइड के परोक्साइड, वाइनिल साइनाइड के परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है एडिशनल बहुलक का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, भैया मतलब पॉलीएक्रेनोनाइट्राइल, मतलब इसको अपन बोलते हैं पैन, ठीक है, पान मत पड़ना भाई, इसको पैन बोलेंगे, ठीक है, पैन, ठीक है, समझ आया आपको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का यूज कहां होता है। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, इसका उपयोग देख लो, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग जो इसकी प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक में किया जाता है बेटा, प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेसे जैसे अर्नोल अभिया या एलिक्रोल बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, कुछ धागे बनते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा हुआ हम एक्रोल के धागे यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जब धागे होते हैं बेटा, ठीक है, उस धागे का फॉर्मेशन जो है इसी से ही होता है, ठीक है, पेन से ही होता है, मतलब इसमें धाबों रसायनों कीटों तथा कवक के प्रतिरोधी क्या होते हैं, कवक के प्रतिरोधी होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं धब्बो डा कीटाणुनाशी पर पड़े होंगे, तो वहां पे कीटाणुओं के क्या होते हैं प्रतिरोध के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत गजब तरीके से बच्चे आपको समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों को बच्चे ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगा, जिन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जिन बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी बेटा, वो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उनके दोस्तों तक इसको फैला देंगे, और कमेंट सेक्शन में लिख के रख दो भाई, थम्सअप दिखा देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब बच्चे इसमें क्या होता है ना, आपको जो एग्जाम्स के अंदर ऐसे कुछ पूछा जाता है कि भाई इसका जो है इसमें कौन कौन से एकलकों से मिलकर बना है, क्या बोलेगा बेटा, कौन कौन से एकलकों से मिलकर बना है, ये जो बहुलक हैं वो कौन कौन से एकलक से मिलकर बना है। जैसे मैं बोलूं कि पॉलीथीन भैया किस एकलक से मिलकर बना है, एथीन से मिलकर बना है, पॉलीथीन किस एकलक से मिलकर बना है, मोनोमर से मिलकर बना है, एथीन से पॉलीथीन बना है, अपन को पता चला, ठीक है। उसी प्रकार से बेटा यहां पर क्या पूछा गया है, पॉली वनाइल क्लोराइड जो है किस एकलक से मिलकर बना है, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बच्चा किस एकलक से मिलकर बना है, ठीक, इसके बारे में क्या होता है विनाइल क्लोराइड बेटा, मैंने आपको बोला है विनाइल क्लोराइड, ठीक है, CH CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH, मैं आपको अभी बताया यहां पे, ठीक है, कि वो विनाइल क्लोराइड क्या होता है बेटा, विनाइल क्लोराइड से क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, ये मैंने आपको अभी जस्ट जो है अभी बताया हुआ है, बच्चे आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, फटाफट रख लो, ठीक है, नोट कर लो। अब बच्चे यहां पे मैंने आपको टेफ्लॉन के बारे में भी जानकारी दी कि टेफ्लॉन का एक अलग क्या होता है भैया, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, मतलब हमने पढ़ा है अभी CF2 डबल बॉन्ड CF2, और ये टूट के क्या होता है बच्चा CF जो CF CF सिंगल CF2 सिंगल बॉन्ड और CF2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस जो आगे चलता रहता है, इस प्रकार से हमको टेफ्लॉन का फॉर्मेशन होता है। और एक चीज बेटे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बेकेलाइट जो होता है वो एकलक किससे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल के क्या होता है बेटा, फिनॉल के फॉर्मेशन से बनता है, मतलब हमको क्या मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड को मैं जब जो है फिनॉल के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट, में कुछ वहां पे कुछ कैटलिस्ट बताऊंगा, मैं आपको याद रखना है वो कैटलिस्ट, ठीक है। फिलहाल बच्चे यहाँ पे याद रख लो कि बेकेलाइट में ना, बेकेलाइट में हम क्या करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और जो फिनॉल का जब मिक्स करेंगे रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेकेलाइट मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बेकेलाइट का एक सेपरेट जो है एक अच्छे तरीके से भैया इसको टाइम देते हुए बढ़ेंगे कि आखिर बेकेलाइट क्या होता है, एस ब्यूना क्या होता है, ठीक है, ब्यूना एस क्या होता है, नियोप्रीन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल बच्चे आप पेशेंस बना के रखिए, ठीक है, ये सारी चीजें कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है।